सो गुड आफ्टरनून गाइस, आपने टाइटल देख लिया होगा तो आप समझ गए होंगे हम कहाँ जा रहे हैं, कौन सी कार देखने जा रहे हैं। सो लेट्स मीट देयर इन द शोरूम। तो भाई हम BYD के शोरूम पे आ चुके हैं। BYD का मतलब है गाइस बिल्ड योर ड्रीम। के भाई लाइट्स हैं, ये जो ब्लू है ये इनसाइड है लाइट्स के, और ये BYD की बैचिंग आ जाती है। इस कार के अंदर एक्चुअली एडांस आते हैं, जो आपने XUV700 में देखा हो। इसका फ्रंट कैमरा ये है और इसके टू कैमरास आते हैं मिरर में। ये ऑनबोर्ड डैशबोर्ड जो आता है वो इसमें इनबिल्ट आता है, कंपनी प्रोवाइड करती है। इसमें 360 कैमरास भी है और आपके बैक कैमरा रियर में आ जाता है। ईवी की बैचिंग आ जाती है ऊपर, पूरा बिल्ड योर ड्रीम। और ये नीचे कार नेम आ जाता है ATO 3। भाई इसकी DRL लाइट्स LED ये पूरी आगे तक दोनों। खिड़की बंद करना है भाई। भाई ये जैसे आपकी कार बंद हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है थोड़ी देर में। की है जैसे नॉर्मल कार्स की होती है, लॉक अनलॉक, और इससे आप अपना बूट स्पेस ओपन कर सकते हो और इससे आप कार स्टार्ट स्टॉप कर सकते हो। तो भाई ये आप आगे LED लाइट्स देख सकते हो इसकी। इससे आपकी पूरी टेल लाइट मिलती है, ये पूरे ऐसे स्पार्कल होते हैं। और भाई ये जो डिज़ाइन है इट्स लाइक अ फिश, ये बहुत सेक्सी लग रहा है इस कार पे। इस बटन को डबल टैप करने से आपका बूट स्पेस ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। इसमें 440 लीटर कैपेसिटी है बूट टैंक की। और आप इधर सकते हो दो बटन्स आते हैं। इस बटन का काम है कि मतलब आपको अगर कहीं होल्ड करनी हो, बीच में तीन टाइप्स के होल्ड होते हैं इसमें, ये देखो ऑटोमेटिकली आप इसको होल्ड कर सकते हो, आपको इधर होल्ड करनी हो और फिर ये ऑटोमेटिकली आप चले। कार के अंदर आते हैं बैटमैन कंपनीज के टायर A51, और आप ये देख इसमें 18 इंचेस के टायर आते हैं। और ये पूरी BYD जो कंपनी है वो चाइनीज़ कंपनी है। भाई इस कार में चारों टायर में डिस्क आते हैं और इस कार में NFC है ब्रो, जैसे आपका टेस्ला में होता है। इस कार को आप की के साथ, और इसमें कार्ड आता है जैसे आपको रूम होटल्स में होता है, आप उस कार्ड के टैप की वजह से आप इसको ऑन या ऑफ कर सकते हो कार को, अनलॉक एंड लॉक। कार का चेसिस नंबर देखो बिल्कुल शीशे पे गिवन होता है, और इसके वाइपर्स देखो कितने डिसेंट और कितने सेक्सी लगे। 210 की BHP आते हैं इस कार में, आप देख सकते हो बिल्कुल खाली है यार, सिंपल बैटरी है। इसमें BYD की दे रखी है इन्होंने पंचिंग, और आप इसको देख सकते हो। और भाई इसमें कोई लॉक सिस्टम नहीं है, जैसे आपको बोनट उठाने के लिए होता है, सिंपल आपको ऊपर पुश करना होता है इसको। ये बैटरीज एक्चुअली टेस्ला भी यूज़ करती है। इसमें 310 का टॉर्क आता है, ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाता है, आपको कोई प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं। भाई इसका ये हैंडल है, आप ये देख सकते हो, और नॉर्मल कार्स के जैसे कोई हैंडल या कोई वो चेक नहीं है, सिंपल आपको इसको अनलॉक करना पड़ेगा फॉर योर अनलॉकिंग द डोर्स। और इसमें भाई ये स्ट्रिंग्स आ जाती है, इट्स लाइक अ पियानो स्ट्रिंग्स दे कॉल्ड। और ये 3-tone कलर है ब्रो, ब्लैक क्रीम एंड इट्स अ डिफरेंट ब्लैक। सो हम इंटीरियर की बात करते हैं, ये आ जाता भाई इसका इंटीरियर। ये स्क्रीन है, रोटेट हो जाती है, और ये आपका BYD का लोगो, और ये आपके स्मॉल स्क्रीन प्रोवाइड करी गई है। और ये गाइस इसका AC वेंट्स है, इसको आप ऐसे ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। और ये इसका ट्रांसमिशन है जिसमें आपको स्टार्ट एंड स्टॉप, और ये ऑटोमेटिक है पूरा। फ्रंट व्हील ड्राइव आती है गाइस ये कार। इस कार की रेंज है 400-500 समथिंग। गियर सिस्टम, इसमें स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन इधर आता है, पार्किंग का बटन है,
ये ऑटो का बटन है। इस मोड से आप अपने ड्राइविंग मोड सेलेक्ट कर सकते हो, स्पीड, स्पोर्ट्स, नॉर्मल, इकोनॉमी, और ये एसी ऑन एंड ऑफ है। ये ऑटो का सिस्टम है। और आपका पार्किंग जो हैंड ब्रेक आता है वो ये आता है भाई, सिंपल आपको इसको प्रेस करना है। और ये जितना भी आप ऊपर देख रखे हो स्टीरियो, ये सारा सॉफ्ट है, इधर कोई वो नहीं है। और भाई आप सीट की क्वालिटी देख सकते हो, इट्स लाइक अ स्पोर्ट्स कार। और भाई इसमें एम्बियंट लाइटिंग चसती है, जब आप व्हेन यू विल टच द दिस वन एंड ऑल द थिंग्स, इट्स अ मैसिव एंड फीचरलेस कार ब्रो। इसमें इतने फीचर्स है कोई गिन नहीं सकता। और इसमें भाई पैनारोमिक सनरूफ आती है, जब आप इसको स्टार्ट करते हो तो एक मैसिव साउंड आती है गाइस। तो जैसे मैंने कहा था एम्बियंट लाइटिंग, जैसे आप इसको टच करते हो तो एम्बियंट लाइटिंग आती है। ये एक स्मॉल स्क्रीन है जो आपके कार के डिस्क्रिप्शन देती है कि आपके कार पार्किंग में है। 73% चार्ज, और इसमें 352 किलोमीटर दिखा रही है। ये कार फुली चार्ज में आपको 500 किलोमीटर देती है। और आप ये स्क्रीन ऑन ऑफ हो गई आपकी, नीचे एसी का कंट्रोल नहीं आता भाई, जैसे आपके एमजी एक्टर में आता, आपको सब इन्फोर्समेंट में दिया हुआ है। आपको इधर से कंट्रोल करना होगा अपना सारे एसी सिस्टम्स। और ये पार्किंग मोड में लगी हुई है। इसमें एयर प्योरीफिकेशन सिस्टम आता है, जैसे आपको पता है ये चाइनीज़ कार है तो इसमें कोई फीचर्स की कमी नहीं है। एसी की सेटिंग्स आ गई आपकी, ये देखिए पूरी कार का डिस्क्रिप्शन आ जाता है, एयर कंडीशन, एयर रेगुलेशन, आपको एसी मोड्स, कंफर्ट, लॉक्स, और ये इंटरनल मिरर्स, एम्बियंट लाइटिंग जो आपको चेंज करनी हो, ये स्मार्ट चेसिस, कंफर्ट, स्पोर्ट्स मोड, और ये आपके ड्यू पायलट, न्यू एनर्जी, ये सब इसमें देखो 73% दिखा रहा है। इसका एक मैसिव फीचर ये है, आपकी ये पूरी स्क्रीन टर्न हो जाती है, द मैसिव फीचर ऑफ दिस कार। अगर आपको ऐसे रखना है तो आप ऐसे रखो, नहीं तो अगर आपको दोबारा चेंज करना हो यू कैन चेंज इट। भाई इतनी बड़ी स्क्रीन होने के बाद जब इन्होंने इधर स्मॉल स्क्रीन प्रोवाइड करी है, इट्स फॉर नॉट फॉर लाइक, ये इतनी यूज़फुल नहीं है, पर इम्पोर्टेंट थिंग्स दिखाती है आपकी कार के बारे में। तो भाई इस कार में स्पेस की भी कोई कमी नहीं है, आप ये ग्लव बॉक्स देख सकते हो। और इसमें नीचे भी आता है एक सिस्टम, जैसे आपकी डिफेंडर में आता है, नीचे से आपको सामान रखना हो, और ये आपका पूरा सिस्टम है इन्फोर्समेंट। इसमें आप स्पीड रिकॉर्ड कर सकते हो अपनी, ये वॉल्यूम अप एंड डाउन, कॉल एक्सेप्ट एंड कॉल डिक्लाइन, इसमें आप मोड चेंजेस कर सकते हो। इसमें देखो आप म्यूज़िक मोड हो गया, फिर ये इसमें लोकल हो गया, और फिर ये स्पॉटिफाई, ये आप इससे FM हो गया, इससे आप अपने मोड चेंज कर सकते। इस कार में जैसे मैंने पहले कहा था 360 कैमरा भी आता है, आप ये देख सकते हो, पूरे आपके कार की विजुअल इमेज भी आ जाती है इसमें सारी चीज। कार का पूरा 3D व्यू आ रखा है आपको साइड में से, जैसे आपको बहुत हेल्प करते हैं ट्रैफिक जैम्स और आपके कार कहीं खड़ी हो। और फिर उसके बाद आपका ये आ जाता है, आपको 3D बंद करना पड़ेगा। फिर ये आपका अपर कैमरा, और ये आपका रियर कैमरा, ये आपका फ्रंट कैमरा गाइस, और ये साइड में एंड ऑल द थिंग्स। इस कार में भाई मैसिव फीचर है लिटरली, आप पूरे सेफ्टी लेवल्स, इसमें 6 एयरबैग्स आते हैं पूरे कार में। ये आप इस मोड को प्रेस करोगे आप ये देख सकते हो, स्पोर्ट्स मोड, इको मोड, नॉर्मल मोड, आपको मोड के हिसाब से ये ऊपर लाइट्स भी चेंज हो जाती है। ये सनरूफ है इसकी पैनारोमिक, आपको सिंपली इधर गाइस टच करना है, कोई बटन वटन कुछ नहीं है, सिंपली ऐसे टच करोगे ये सनरूफ वापस आ रही है, और इसको टच करोगे ये डाउन हो गया। और अब देखो गाइस, सिंपली आपको टच करना, कोई प्रेस नहीं है, आप इसको ऐसे टच करोगे इधर से लाइट ऑन हो जाती है, इस पर टच करोगे इधर से लाइट, और ये वापस आ जाती है। तो भाई आप पूरी लाइन्स देख सकते हो, पूरा कर्व दिखा रखा है इन्होंने। और ये साइड में आपको पता है फ्रंट और बैक वाइपर्स के लिए, और ये आगे DRL और लाइट्स के लिए, और आपके AC वेंट्स ऐसे ही हैं, आपको बंद करने ऑन करने ऊपर, बंद करने हो नीचे। हैंडल में मैंने आपको बता ही दिया था, अब शो कर देता हूँ, ये ऐसे करोगे आप ओपन हो जाएगा गेट। इसमें ये मिरर्स अप एंड डाउन करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए। सीट्स देख सकते हो बहुत कंफर्टेबल, इट्स लाइक स्पोर्टिश टाइप, और ये पूरे वेंट्स है इसके अंदर। ये सीट्स ऑटो एडजस्टेबल है आप देख सकते हो,
पूरे ऑटो एडजस्टेबल। आपको इधर इनके बटन्स दिए हुए हैं, पीछे का डोर है, पीछे भाई पूरा स्पेस है, आप सीट्स देख सकते हो, पीछे एसी वेंट्स आ जाते हो, और ये BYD डिज़ाइन की इनकी लोगो आ जाता है, और नीचे आपके चार्जिंग है टाइप सी और लाइटनिंग। और इसका ये जो फ्लोर है ये पूरा सेम है, थर्ड पर्सन को बैठने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये जो इसका स्पोर्टी लुक आता है ना, इट्स लाइक अ स्पोर्ट्स कार, सिस्टम भी बहुत सेक्सी है। इस कार की ऑन रोड प्राइसिंग है बेंगलोर में 36 लाख, एंड एक्स शोरूम प्राइस है 34,60,000। साउंड सुनो ऑफ होते टाइम, इट्स अ साइलेंट कार भाई। अब हम इसके टेस्ट ड्राइव लेंगे। तो भाई अभी हम टेस्ट ड्राइव लेके आ चुके हैं व्हीकल की। सेकंड ऑप्शन है ये, फास्ट चार्जिंग में आपकी 1 आवर में चार्ज हो जाएगी 80%। कार में आपकी 8 आवर्स लेगी कार फुली चार्ज होने के लिए। तो भाई अभी हम वापस आ चुके हैं। सो गाइज, इफ़ यू लाइक द व्लॉग प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑल्सो एंड प्रेस द बेल आइकन।